हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे हो गए हैं या आपके चेहरे पर किसी भी तरीके के निशान बन गए हैं या आपके चेहरे का रंग काला हो गया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हमने एक ऐसा घरेलू उपाय बताया है, यह उपाय आपके चेहरे के दाग धब्बे कालेपन को दूर करके आपके चेहरे को काफी गोरा और चमकदार बना देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आज के युग में गोरा रंग पाना हर व्यक्ति चाहता है। हम अपने चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए कई प्रकार के बाजार में उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, किंतु इन सभी के बाद भी जब हमारे सामने परिणाम नहीं आते तो हम काफी निराश हो जाते हैं। आइए हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के चेहरे को गोरा, चमकदार और बेदाग बना देगा। आइए जानते हैं वह कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसको अपनाने से आप चमकदार और खूबसूरत त्वचा पा सकते हैं। इन घरेलू उपायों से आपको किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है दोस्तों, वो है बेसन। आपको इसके अंदर 2 चम्मच बेसन के ऐड करने हैं। दोस्तों, त्वचा के लिए बेसन का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। यह आपके चेहरे का रंग साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है। यह त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाता है और उसे वापस लाने से रोकता है। इसके छोटे छोटे कण चेहरे पर मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करते हैं। बेसन मुहासों को भरने से रोकता है और एंटी पिंपल क्लींजर की तरह काम करता है। यह उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियां और त्वचा को लटकने से रोकता है। बेसन त्वचा पर स्क्रब की तरह काम करता है। यह रोम छिद्रों खोलता है और चेहरे की अंदर से सफाई करता है। इससे हमारा चेहरा बेदाग और सुंदर दिखने लगता है। तो बेसन लेने के बाद में आपको दूसरी चीज जो लेनी है दोस्तों, वो है यहाँ पर दही। आपको इसके अंदर 2 चम्मच दही के ऐड करने हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर लेना है हनी। आपको इसके अंदर 1 चम्मच हनी का मतलब की शहद ऐड करना है। फिर इसके बाद आपको लेनी है दोस्तों चुटकी भर हल्दी पाउडर। दोस्तों, सारी चीजें लेकर अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य आदि के लिए सदियों से किया जा रहा है। आज भी ढेरों सौंदर्य पदार्थ जैसे क्रीम आदि को बनाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी चेहरे के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आता है और दाग धब्बे हल्के हो जाते हैं। आपको बता दें कि हल्दी कई तरह से त्वचा के देखभाल के लिए फायदेमंद होती है। यह पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती है। हल्दी मुहासे के दाग धब्बों को दूर करती है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो बढ़ते उम्र के लक्षणों को दूर करने में सहायता करती है। ज्यादातर घरों में घरेलू नुस्खों के रूप में त्वचा पर निखार लाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह हमारा पेस्ट बनके तैयार है। अब इसे जो लगाने का तरीका दोस्तों, वो ये है। आप जो उंगलियों से इस पेस्ट को इस तरीके से लेकर अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से दोस्तों लगाकर आप इसे 15 मिनट के लिए चेहरे पर ऐसे ही छोड़ दें। 15 मिनट बाद आप इसे सादा पानी से धोकर साफ कर दें। दोस्तों, इस उपाय को हफ्ते में 2 बार करने से आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे, काले निशान है, कालापन है, सारा दूर हो जाएगा और आपका चेहरा काफी निखरा और गोरा दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर करें। साथ ही आप वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा जैसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।